आया तेरे को बताता हूँ मैं। जी ये बता, ये जो काट रहा है ये कौन सा है? इसको फाइक्स बोल रहे हैं, मतलब ये डार्क काला कलर है फाइक्स का। तो हाइट कितनी हो जाती है इस बूटे की? हाइट करने को तो 6 फुट भी हो जाऊँ। आजकल आज ये मतलब मीडियम है। ठीक है, आजकल जो पार्क वर्क में घर में लगते हैं गार्डन में बूटे, तो कौन कौन से ज्यादा जो बढ़िया है जो लगते हैं, कौन कौन से? एक जो खुशकुपा मार रहा है। अच्छा वो कौन सा है? वो जैसे पोस्टल पंप आपका हुआ है कहाँ, वो वाला? हाँ जी हाँ जी। अच्छा वो पोस्टल पंप क्या बोलते हैं? पोस्टल पंप बोलते हैं। अच्छा पोस्टल पंप, ठीक है। और ये जो ये बूटी है ना, हाँ मतलब ये नारी कटाई गोल बन जाएगी। ठीक है, जैसे वो उसकी वो बढ़िया है, मतलब ये जो चीज है ना, हाँ सारे तो बेस्ट है देखने में। ठीक है, जो गोल है ना कटाई जल्दी हो जाती है। और ये मतलब धीरे धीरे ये एक छोटे छोटे लगाए, ये कौन से है? ये पूरा वैसे बना क्यों नहीं है नीचे से? बन जाएगा धीरे धीरे। आप बोल रहे थे ना वो फुटबॉल के जैसा बनेगा? हाँ जी वही चीज बन जाएगी। तो जो कॉर्नर में लगा वो कौन सा है? इसकी हाइट कितनी जाती है? 6-7 फुट। इसकी भी कटाई वगैरह होती है? 6-7 फुट होती है, बाद में से इसके वो निकलते हैं। इसकी कटाई वगैरह भी होती है या नहीं? कोई नहीं कटाई नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में से वो निकलेंगी शाखाएं तले। ये जैसे 10 फुट का हो जाएगा तो ये कट जाएगा, मुड़ के दूसरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये वाला, ये नारंगी संतरी कलर का जो छोटे। इसकी हाइट अभी कितनी है? हाइट इसकी 1.5 फुट होगी। कितनी हो जाती है? 6 फुट हो जाता है। ये क्या लगा है? ये लगाए थे 12 महीने लगू लगू। क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम बोलते? नारंगी। नारंगी हाँ जी जी। ठीक है, ये खाने लायक होते फल या वैसे शो खा भी सकते हैं? कितनी देर में होगा ये? 5-6 फुट ये तो लास्ट तक होगा, 4-5 साल। 4-5। तो ये कौन सा है? बोलते टपोरी। टपोरी टपोरी, ये इसके कई कलर भी और होते हैं, कलर इसमें 2 कलर और आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी होती वो? एक तो तांबा कलर होता है। हाँ वो कौन सी होती है? गोला कलर जैसे वो मिले है ना। एक ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर नहीं, इसको टपोरी बोलते हैं। कलर के हिसाब से भी नाम लग गया कोई? हाँ जी हाँ जी। उसका क्या है? एक का बेंजुना। बेंजुना बेंजुना नहीं, इसका नाम टपोरी, उसका नाम बेंजुना। जब बेंजुना टपोरी होती है? बेंजुना टपोरी। अच्छा बेंजुना टपोरी, ठीक है। एक होती है ये कौन सा लगाया छोटे वाला? इसको कोई यार फूल फाल तो लगा नहीं, आप बोल रहे थे फूल लगाएगा। फूल ये संतरी कलर का आएगा ना, इसको एक जोरा बोल रहे हैं। मिनी क्या? एक जोरा। एक जोरा हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये देखो जिसको बोलते हैं अभी 12 महीने के लिए पूरे खिलते हैं, ये सूखते नहीं है। एक बार लगा दिए भाई ये ऐसे हो जाएंगे। इसकी हाइट भी बढ़ती है? इसकी हाइट होती है। क्या कितनी हो जाती है? 2.5 फुट हो जाती है। 2.5 फुट। ये जो फर्स्ट टाइम हमने देखी ना वो 5 फुट। हाँ हाँ हाँ, ये उसी में मतलब ये हाइब्रिड है। अच्छा ये सारे हाइब्रिड है। जी हाइब्रिड है। इसका खिलार कितना में जाता है? इसका खिलार उससे कम रहेगा। ये कौन सा, क्या नाम इसका? बोलते बैरीगेटा बोल दो फाइक्स। बैरीगेटा फाइक्स जी, चिट्टा फाइक्स बोल दो। चिट्टा फाइक्स, स्टार लाइट बोल दो। स्टार लाइट। और ये देखो मैंने एक बूटा तैयार किया है। हैं? ये बूटा मैंने तैयार किया है। कैसे तैयार किया है? इसको अभी आप लगा रहे थे, इसको थोड़ा फूट कर दिखाओ कैसे। नहीं नहीं वो फूटेंगे तो खराब हो जाएगा। नहीं अभी लगाया था ना आपने? तो इसके बाद एक बार वैसे ये देखो मैंने किया ना ट्राई ऐसे। अच्छा ये इतना कहाँ से काटा? यहाँ से काटा था ना? हाँ जी यहाँ से काटा था। ये उस बूटे से काटा जी। अच्छा वो उस बूटे मतलब गोल नहीं काटना है। अच्छा टेप बूटा तैयार करना है, टेपर काटना है। टेपर काटना है हाँ जी। जब लगाते समय ये जो चीज है ना बादली, ये छिलनी नहीं चाहिए। अच्छा ये छिल गई ना, हाँ सड़ना मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ओके हाँ जी। तो ये ऐसे चल पड़ेगा अभी? चांस तो मतलब 50-50। वो तो काफी दिनों से लगाया, कितने दिन होगा इसको? इसको तो 15 दिन। हाँ जी इसको ये तो चल पड़ा है। ये पोस्टल पाम। अच्छा ये पोस्टल पाम, ये इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है अभी ऐसे? क्या क्या प्रॉब्लम होगी इसको? कम से कम 3-4 महीने तो हो गए। ये धीरे धीरे ठीक है। ये सारे तो बेस्ट क्वालिटी है। पाम की वैरायटी जैसे पोस्टल पाम भी आता है। ये
क्रिस्टल पाम आता है, क्रिस्टल पाम इसको बोलते हैं फॉक्सटेल पाम, फॉक्सटेल पाम जी, ये सारे तो बेस्ट है। ओके ये नया, ये इसका नया निकल रहा है ना, ये देखो क्या क्या बोलते हैं इसको, तना बोलते हैं, तना ही बोलते हैं, पत्ता बोलते हैं, नया निकल रहा है इसका। अभी तो काफी इसका मूड जो है ना काफी मजबूत हो गया है। तो ये यार ये इनके पत्ते सड़ने की क्या क्या है, बहुत प्रॉब्लम आती है इसको, क्या बोलते हैं इसको, एरिका पाम बोलते हैं, एरिका पाम जी, इसके पत्ते सड़ने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है जी, हो सकता है मिट्टी में कमी हो या मतलब ज्यादा धूप वगैरह का फर्क पड़ जाता है ना। ये जो चीज है ना, ये वाला, ये पहाड़ी वाला बुका है, पहाड़ी वाला जी जी, जैसे छोटी सी बनाई कॉर्नर में बनी है ना ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये तो वही आ गया जो कॉर्नर में जो वो परे लगा था ना, ठीक है। ये टपोरी ते घास की थोड़ा सा जानकारी दो, घास ये मतलब है की बोलने नु एक्जुरा, एक्जुरा हां जी हां जी, मिनी एक्जुरा बोलने नु। अच्छा मिनी एक्जुरा, इधर भी चार कलर होते हैं, ठीक है। एक हां पिंक, पिंक कलर हो गया ये वाला, हां जी, ये तो भी छोटे छोटे बूटे हैं ना, हां जी। एक एक जो रेड कलर आगे बिखास के ना, ये वाला, हां जी ये रेड कलर है, ठीक है। ये मतलब संतरी कलर आ जाएगा, ठीक है जी, ये वाला संतरी कलर का, ये मैंने सुनी है ना, हाँ वो सबके लिए छोटा है। एक ही का क्या क्या काम करती है ये, जैसे सेब वगैरह लगती है बूटे में, हाँ, या जड़ में कोई कीड़ी वगैरह हो, बूटे के पत्ते वगैरह झड़ रहे हो, पत्ते, हाँ जी ठीक। ये मतलब तो एक का मेरे को बात बताओ, ये जो घास है पूरा मतलब कलर अभी क्यों नहीं पकड़ रहा है, कलर पकड़, वो पूरा ग्रीन है, वैसा होना चाहिए सारा, नहीं वैसा जब आप ज्यादा तुलते फिरते है ना उसकी वजह से भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है ठीक है। एक टाइम से इसकी कटाई नहीं हुई थी, हाँ जी वो तो आपने की नहीं, तेरे को बोलता रहा था ना, देखो इधर भी तो एक मेरे को ये बात बताओ, आपने वो जब बना रहे थे पार्क को आपने निकाला था, कितना साइज कितना था पार्क का, साइज इसका था करीबन करीबन कोई 40 बाई 40 या 50 था, इतना ही था ना आईडिया से, आईडिया था जी। गार्डन तो अभी बढ़िया बन गया, थोड़ी सी इसका वो हो गया ना, आपने पूरा केयर नहीं किया इसका तुमने, अभी वो बाहर कौन कौन से देखते हैं। ये बूटे को सपोर्ट लगाया है तो ये क्या छोटा है, मतलब थोड़ा हाइट में बड़ा चाहिए था, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्डन सरू, गोल्डन सरू, गोल्डन सरू, ये तीनों ही गोल्डन सरू है, इसको यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वालिटी है, इसमें कंडा कुंडा कितने भी नहीं है, ठीक है। एक इच्छे देसी आती ना ग्रीन, और मतलब इतना फड़ोगे ना, जेडी गोविंदवाल साहब एक पार्क थे मैं लाई है ना, हाँ हाँ आपके रिश्तेदार थे, हाँ हाँ ग्रीन है वो, मतलब कंडा जहां है, ठीक है। जे पाम अंदर से लग गया ना, जो अंदर लगाए थे, नहीं ये कोई चीज है, ये कौन सा है, ये पिस्टल पाम है, वो भी अंदर पिस्टल पाम, फॉक्सटेल पाम है, ये भी फॉक्सटेल पाम, ठीक है हां जी। तो ये भी वही आ गया ना, इसकी सपोर्ट नहीं कितना बढ़िया, इसको सपोर्ट नहीं है ना, हां जी कितना मतलब, हां जी ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि पंजाब में नहीं होता चीकू, हां अब देखो, अबे हो रहा लग रहा है छोटा छोटा, मैंने चीकू अगले साल लगाया था ना, हां हां ये फल स्टार्टिंग हो गया, ये छोटा छोटा फल है ना, हां जी हां जी चीकू, हां जी ये देखो ये फल स्टार्ट हो गया, नहीं इसका गारंटी है पूरी लगेगा, गारंटी लगेगा और इसी पे पकेगा, अच्छा इसी पे, हां जी। ये किन्नू का बूटा, ये किन्नू का, हां जी इस पे काफी लगे थे, वो इधर लड़का रहता है ना, हाँ। वो उठा के ले गया जहां से, एक अब ये जो बूटा ना इसकी मतलब थोड़ी बीमारी है, क्या पत्ते सूख रहे हैं इसकी, स्प्रे होने वाली है, तो स्प्रे कौन सी होगी इसको करेंगे, M45 या मोनो हो जाएगी, M45 या मोनो, हां जी हां जी ठीक है, वो बूटे के मुताबिक जैसे दस्त है, ठीक है। तो ये पांच आम लगाए थे ना, ये पांचों अलग अलग है, ये पांच वैरायटी अलग अलग है, ये कौन सा आम है, ये दशहरी, इसका पत्ता क्यों सूख रहा है, ये मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये कौन सा, ये चल भी रहा है बढ़िया, नहीं ये कौन सा आम है, ये दशहरी, दशहरी, तो ये वाला बूटा कौन सा है, ये वाला, इसके भी अपना वो नींबू है ना अपना, तो इसका भी बूटा काफी हो रहा है, स्प्रे करो ना इसकी, मेरा एक दो दिन में कर दो, अमरपाली है, अमरपाली, ये भी नींबू आ गया छोटा, ये भी नींबू आ गया, ये मतलब अमरूद है, इसको बोलते हैं इलाहाबादी नाम से, कौन सा, इलाहाबादी नाम है, इलाहाबादी, आप बोल रहे थे कि पैसा कोई नहीं दूंगा, 1000 रुपए नाम दूंगा मैं,
मैंने आपको बोला था नाम तो दूंगा ये इतनी मतलब हाइट में फल लगे तो आपने बोला था ना अभी तो फल अभी फल स्टार्ट हो गया फल खा ले आप खुश हो जाए जब बात की नहीं इनाम के तो हकदार हो गए ना हाँ इनाम के गारंटी से हाँ इनाम के हकदार हो गए और जैसे ये ग्राफ्टिंग की थी बूटे की क्या ये प्योरली ग्राफ्टिंग है ना नहीं किसने की थी आपने की थी नहीं नहीं हाँ ये बाहर से होती है कलकत्ते से अच्छा क्या पेंदी होती है पेंदी होता है अच्छा वो क्या होता है ये नीचे देसी है सभी यहाँ से यहाँ तक देसी है ये मतलब कटना चाहिए ये चीज है ना नहीं 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 पेंदी का जे इसमें जे छोटा सा धागा टाइप का जी हाँ जी मतलब आधा आधा अमरूद और था आधा और था जी हाँ जी देसी था ओके ये जो बढ़िया मीठा होगा ना बड़ा फल मीठा होगा इसलिए चेक करके खाया हुआ उसी की टनी यहाँ पर जोड़ दी गई है ठीक है हाँ जी तो इसका पूरा बढ़िया फल निकलेगा पूरा बढ़िया फल ये पेंदी ये आम कौन सा है ये भी मीठा आम है इसको चौसा बोलते हैं कौन सा चौसा आम बोलते हैं चौसा जो काट के खाते हैं चौसा जे वाला ये लंगड़ा आम है दोनों अच्छा जे भी लंगड़ा है वो भी लंगड़ा है इसकी हाइट कम रहेगी ठीक है सीधा नहीं जाएगा खिलार में चलेगा ये अच्छा ये खिलार में जाएगा ये पौधा है ना जी ये भी मतलब लंगड़ा आम बोलते हैं इसको दोनों में फर्क है हल्का फर्क हो सकता है ठीक है निकलेगा ना टेस्ट में भी ये कड़ी पत्ता जब ही छोटा है बूटा बड़ा होएगा ना जी जी एक नींबू तो जैसे मेरे को बात था यार आम अपने द्वार से कम 10 फुट की दूरी पे है तो द्वार को तो कोई नुकसान नहीं इसका तो कड़ी पत्ता का है नुकसान कड़ी पत्ते का भी नहीं है अच्छा ये भी ज्यादा नहीं जाता ये नींबू है देखो हाइब्रिड हाइब्रिड नींबू ये अगली साल लगाया था ना हाँ हाँ तो ये मतलब देखो स्टार्ट हो गया फल स्टार्ट हो गया छोटा सा लगाया इसको छोटा सा लगाया ये भी पेंदी था ये भी पेंदी था जी ये भी पेंदी है ना हाँ जी ठीक है पीछे से राजस्थान के पर राजस्थान से कहाँ से धौलपुर से जो आगरे से आगे है ना ठीक है हाँ जी इधर कितनी देर से रह रहे हो गया कोई 15-16 साल हो गए पंजाब पंजाब में फतेहाबाद में ठीक है फतेहाबाद जिससे गोइंदवाल साहब ठीक है फाड़ के पास पास ठीक है ठीक है तो कहते हैं घास आपका एक 3 साल पहले भी लगाया था एक घास हाँ पहले कोठी में लगाया था हाँ जी वो सेकंड क्लास थी ठीक है सेकंड क्या थर्ड वो थोड़ा सा वो कंडे जैसा हाँ जी हाँ जी वो मतलब जैसे बट्टा वाला घास दिखाई देता थी ना ठीक है इसको नीलगिरी कोरियन घास बोलते हैं नीलगिरी कोरियन हाँ जी हाँ जी नहीं नीलगिरी लाग रही होता कोरियन लाग रही कोई चीज है अच्छा एक चीज होती है मतलब इंग्लिश में बोलते हैं या कैसे भी हाँ जी ये मतलब महंगा घास आता है आपने ये पार्क का कोई किया है तो वैसे काम शुरू कर लिया कोई कोर्स वगैरह जैसे होता है कोर्स वगैरह किया था मैंने कहाँ से मैं नकोद मारे मौसी के लड़के हैं ना हाँ हाँ तो वहाँ 500 रुपए महीने से मैं काम किया था नहीं नहीं मुझे काम किया था या वैसे कोर्स किया था कोर्स नहीं किया है अच्छा पर मैं सीखा था 500 रुपए महीने वैसे इसका होता है कोई सर्टिफिकेट मिलता है पार्क का होता है सर्टिफिकेट मैंने देखा नहीं है ना मेरे को पता है इसके बारे में अच्छा इसके बारे में नहीं पता होता नहीं है वैसे सीखा है काम सीखा मैंने पूरा नॉलेज है काम का फोटो वाटो का नाम जैसे बोलते हैं हाँ जी जैसे मतलब कोई भी पौधे के नाम किसी भी क्वालिटी कैसे पाला जाता है कितना पानी लगाते हैं धूप में रखना है या छाया में रखना है ठीक है हाँ जी तो और इसका कोई ये जो गार्डन है ना हाँ हाँ ये कटोकट जैसे 4 महीने में तैयार होता है पूरा रेडी पूरा तैयार हो गया 4 महीने में ते ये घास 20 रुपए स्क्वायर फुट लगाया जाता है जैसे हम संभाल के बाद में फिर मेंटेनेंस का देखने का खर्चा लगता है 1500 रुपए महीना जैसे आप बुलाओगे ना उसी हिसाब से ठीक है जैसे डील हो जाती है जी हाँ जी जैसे आप बोलोगे महीने में 4 दिन आना है तो 2000 रुपए ठीक है 3 दिन बुलाओगे तो 1500 दो बार बुलाओगे 2000 रुपया ठीक है ऐसे ये मैंने अपनी नर्सरी से चुन चुन के एक एक बूटा देख देख के सारा तो बढ़िया बढ़िया है पत्ता बहुत बढ़िया निकल रहा है अभी हाइट छोटी है ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ किया ये थोड़ा सा ये भी इन्होंने किया इन्होंने मुड आगे पतली सी ना हाँ हाँ और मतलब मुड आज भी चीज है ना ये आपने बहुत पक्षी वास्ते मतलब बढ़िया लगाई हुई है पंछी बैठते हैं जी पंछी बैठते हैं ना जो छोटे छोटे वो काले रंग की चिड़ी होती है एक उसमें बैठती है किसमें बैठती है ये आपने बहुत बढ़िया सिस्टम किया है तो ये जो चीज है ना ये लाइट के लिए होगी हाँ हाँ जो जैसे आप शाम को बैठते हैं जितनी भी लाइट लगी है ना सभी ये बहुत बढ़िया लगी है ठीक है जैसे कहीं भी पार्क बनाएंगे तो वो पकड़ो उसको जो पड़े कॉर्नर में ये जैसे हम दिखाएंगे ना हाँ ऐसे ही बताएंगे ऐसे लाइट लगाओ ठीक है ये क्या चीज है
ये मैं सोच रहा था भी थोड़ा सा डेकोरेट हो जाएगा इसको, नीचे से ब्लैक रंग करेंगे ऊपर जो चार पांच और है पांच और बने दिए है तो वो लेके आने हैं तो सभी के अलग अलग रंग करके अच्छा तो व्हाइट या ब्लैक कलर से जैसे बूटों के नाम है ऐसे लिख देंगे जहाँ बढ़िया बढ़िया थॉट होते हैं बढ़िया बढ़िया विचार होते हैं ऐसे लिखेंगे बढ़िया है मतलब इससे आपको भी पहचान रहेगी बूटे की हाँ कौन सी क्वालिटी है ठीक है हाँ जी तो ये बढ़िया डेकोरेशन भी बदल जाएगा। वैसे मेरा तो मन सही है साहब जहाँ तो बूटों के नाम लिखेंगे जहाँ बढ़िया बढ़िया थॉट लिखेंगे हाँ जी हाँ जी एक ये भी पौधा है ना हाँ हाँ ये वाला हाँ हाँ ये सारा तो बेस्ट पाम है ये इसको रेक्सोना पाम बोलते हैं कौन सा रेक्सोना पाम ठीक है इसका डार्क कलर ऐसे ही रहेगा 12 महीने तो लगभग तो काम हो ही गया थोड़ा सा कटाई का रह गया ना हाँ जी जो बात है ना अभी कटाई उन वाली नहीं है ठीक है हाँ जी हाँ जी